हेलो दोस्तों, आज की एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा 180cc सेगमेंट के अंदर दो जबरदस्त बाइक के बारे में, जिनमें एक है होंडा की होन्ने 2.0 और दूसरा बाइक है बजाज की पल्सर 180 2021 मॉडल। तो दोस्तों अगर आप इस टाइम इन दोनों बाइक में से किसी भी एक बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन आप कन्फ्यूज्ड हो कि आपके लिए बेस्ट बाइक कौन सा होगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर इन दोनों बाइक की प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन साइड बाय साइड तो कंपेयर करूंगा ही, उसके साथ ही वीडियो की एंड में ये भी बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन आपके लिए बेस्ट बाइक कौन सा है। तो दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कलर ऑप्शन से। तो होन्ने 2.0 इस बाइक के अंदर टोटल 5 कलर ऑप्शन मिलेगा, जो मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, मैट मार्बल ब्लू मेटालिक, मैट संगड़िया रेड मेटालिक, पॉल इग्नेस ब्लैक और पांचवा जो कलर है वो है रेप्सोल एडिशन। और दूसरी तरफ पल्सर 180 की बात करें तो फिलहाल इस बाइक के अंदर आपको एक ही कलर ऑप्शन मिलेगा, जो ब्लैक विथ रेड। तो दोस्तों इतने सारे कलर ऑप्शन में से मुझे होन्ने 2.0 की मैट मार्बल ब्लू मेटालिक कलर ज्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कौन सा कलर ऑप्शन ज्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों कलर ऑप्शन की बाद बाइक की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो होन्ने 2.0 इस बाइक के अंदर आपको इंजन मिलेगा 184.4cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड। और दूसरी तरफ पल्सर 180 की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा 178.6cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो कि थोड़ा सा पावरफुल इंजन आपको मिलता है होंडा की होन्ने 2.0 के अंदर। दोस्तों पावर फिगर की बात करें तो होन्ने 2.0 मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17.2 ब्रेक हॉर्स पावर की 8500 आरपीएम के साथ, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 16.1 न्यूटन मीटर की 6000 आरपीएम के साथ। दूसरी तरफ पल्सर 180 की बात करें तो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17 ब्रेक हॉर्स पावर की 8500 आरपीएम के साथ, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 14.2 न्यूटन मीटर की 6500 आरपीएम के साथ। तो दोस्तों क्लियरली देख सकते हो कि पावर एंड टॉर्क दोनों ही आपको ज्यादा मिलता है होंडा की होन्ने 2.0 के अंदर। और दोस्तों पावर फिगर के साथ साथ बाइक की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो होन्ने 2.0 इस बाइक की टॉप स्पीड इंटरनेट पर जो लिस्टेड है वो है 130 किमी पर आवर की। और दूसरी तरफ पल्सर 180 की बात करें तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड इंटरनेट पर लिस्टेड है वो है 122 किमी पर आवर की। मतलब टॉप स्पीड आपको ज्यादा मिलेगा होन्ने 2.0 के अंदर। और माइलेज की बात करें तो होन्ने 2.0 के अंदर आपको माइलेज मिलेगा 40 से 45 किमी पर लीटर की, और दूसरी तरफ पल्सर 180 के अंदर आपको माइलेज मिलेगा अराउंड 43 किमी पर लीटर की। मतलब माइलेज के मामले में दोनों बाइक के अंदर आपको एक जैसा माइलेज मिलेगा। तो दोस्तों बाइक की टॉप स्पीड एंड माइलेज के बारे में मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी होन्ने 2.0 एंड पल्सर 180 है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कितना टॉप स्पीड एंड माइलेज मिलता है। इन्यू दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो होन्ने 2.0 इस बाइक की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 276mm का डिस्क, और यह साइड में आपको मिलेगा 220mm का, और ABS आपको मिलेगा सिंगल चैनल। दूसरी तरफ पल्सर 180 की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS तो मिलेगा ही, उसके साथ ही फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 280mm का डिस्क, और यह साइड में आपको मिलेगा 230mm का। मतलब ब्रेकिंग के मामले में दोनों बाइक एक जैसा ही है, लेकिन डिस्क प्लेट की साइज की बात करें तो वो आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा पल्सर 180 के अंदर। दोस्तों सस्पेंशन की बात करें तो होन्ने 2.0 इस बाइक की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा ESD फोर्क, और ये साइड में आपको मिलेगा मोनोशॉक सस्पेंशन। दूसरी तरफ पल्सर 180 की बात करें तो इस बाइक की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक फोर्क, और ये साइड में आपको मिलेगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सस्पेंशन के मामले में थोड़ा बेहतर है होन्डा की होन्ने 2.0। तो दोस्तों इसके बाद सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाइक के लिए। तो दोस्तों होन्ने 2.0 इस बाइक की सीट हाइट है 590mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा 167mm का। दूसरी तरफ पल्सर 180 की बात करें तो इस बाइक की सीट हाइट है 790mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा 165mm का। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सीट हाइट आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है पल्सर 180 के अंदर, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा होन्ने 2.0 के अंदर। तो दोस्तों अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा होन्ने 2.0, लेकिन अगर आपकी हाइट नॉर्मल है और नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा पल्सर 180। और दोस्तों इसके साथ ही बाइक की वेट की बात करें तो होन्ने 2.0 की वेट है 142 kg, और दूसरी तरफ पल्सर 180 की वेट है
145 kg मतलब वेट के मामले में हॉर्नेट 2.0 3 kg हल्का है। दोस्तों टायर होल्स की बात करें तो हॉर्नेट 2.0 इस बाइक की फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको मिलेगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स, उसके साथ आपको मिलेगा ट्यूबलेस टायर। और टायर साइज की बात करें तो फ्रंट टायर का साइज है 110/70 और रियर टायर का साइज है 140/70। और दूसरी तरफ पल्सर 180 की बात करें तो हॉर्नेट 2.0 की तरह ही इस बाइक की फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको मिलेगा 17 इंच का अलॉय व्हील्स, उसके साथ आपको मिलेगा ट्यूबलेस टायर। लेकिन जब बात करें टायर साइज की तो इस बाइक की फ्रंट टायर का साइज है 90/90 और रियर टायर का साइज है 120/80। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि टायर साइज दोनों बाइक में आपको अलग अलग मिल जाता है। और दोस्तों इन सभी के अलावा बाइक की दूसरे फीचर्स की बात करें तो हॉर्नेट 2.0 इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा एलईडी हेड लैम्प, एलईडी टेल लैम्प, एलईडी इंडिकेटर, 12 लीटर फ्यूल कैपेसिटी टैंक, 5 स्पीड गियर बॉक्स, हैजार्ड स्विच, फुल डीजल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और दूसरी तरफ पल्सर 180 की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा हैलोजन हेड लैम्प, एलईडी टेल लैम्प, बल्ब इंडिकेटर, सेमी डीजल कंसोल, स्प्लिट सीट, क्लिप ऑन हैंडल बार, स्प्लिट ग्रैब रेल्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एडिशनल फीचर्स के मामले में थोड़ा बेहतर है होंडा की हॉर्नेट 2.0। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है प्राइस। तो हॉर्नेट 2.0 इस बाइक के अंदर आपको दो तरह की कलर ऑप्शन मिलता है, जब पर नॉर्मल सभी कलर ऑप्शन की प्राइस है 1,28,195 रुपीज, लेकिन रेपसोल एडिशन का प्राइस है 1,30,195 रुपीज। और दूसरी तरफ पल्सर 180 की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा जिसका प्राइस है 1,08,000 रुपीज एक्स शोरूम। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि प्राइसिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा सस्ता है, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 से लेके 22,000 रुपीज सस्ता है बजाज की पल्सर 180। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपको कम प्राइसिंग के अंदर एक अच्छा 180cc के बाइक चाहिए तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा पल्सर 180। लेकिन दोस्तों अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ ही आपको चाहिए ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क, उसके साथ ही आपको चाहिए डीजल कंसोल, एलईडी हेड लैम्प और भी बेहतरीन फीचर्स, तो आपके लिए एक झक्कस ऑप्शन होगा होंडा की हॉर्नेट 2.0। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन इन दोनों बाइक के बारे में। आपका ओपिनियन मुझे मिल सकता है नहीं भी, क्योंकि दोस्तों सबका चॉइस अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये था होंडा की हॉर्नेट 2.0 एंड बजाज की लेटेस्ट पल्सर 180 2021 मॉडल के बीच एक छोटा सा प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। आपको क्या लगता है इन दोनों बाइक के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और उसके बाद ये भी बताना कि आपके हिसाब से मतलब आपको क्या लगता है कि इन दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा है और क्यों है, एक रीजन मतलब उसका कारण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको इन दोनों बाइक के बारे में और भी कुछ जानना है डिटेल में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। इसके अलावा जो फेसबुक पेज है और आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में कह सकते हो और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।